उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीट पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 2014 और 19 में बीजेपी ने उत्तराखंड में क्लीन स्वीप किया था और इस बार भी बीजेपी हैट्रिक लगाने के मूड से ही चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने अपने बैकरूम लीडर अनिल बलूनी को इस बार गढ़वाल सीट से उतारा है। अनिल बलूनी कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास ना कोई नीति है न नीयत, इसलिए इस बार भी बीजेपी उत्तराखंड की सभी 5 सीट जीतने जा रही है। देखिए, लोगों में बहुत उत्साह है और जैसे ही हम लोगों के चेहरे देख रहे हैं तो लग रहा है कमल की तरह खिले हुए चेहरे हैं और उनसे साफ लग रहा है कि जो हमारा संकल्प है 400 पार का, इस क्षेत्र में 5 लाख पार का, वो पूरा होता दिख रहा है। सर, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर 5 प्रत्याशी है लेकिन कांग्रेस का सबसे ज्यादा अटैक आपके ऊपर ही क्यों है? नहीं, कांग्रेस की रणनीति अटैक करने की है लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इतने चुनाव प्रचार में कांग्रेस के 5 प्रत्याशियों ने किसी ने भी विकास की बात नहीं की, केवल गाली गलौज की बात की। कांग्रेस के प्रत्याशी ने ये नहीं बताया कि पौड़ी के लिए उनका क्या विजन है, उन्होंने बताया नहीं कि कोटद्वार के लिए क्या विजन है।